मनसाही कटिहार प्रखंड क्षेत्र के साहेबंगर पंचायत के साहेबंगर गांव में मोहम्मद नसीम के घर में लगे आग से चार घर जलकर राख होने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मोहम्मद नसीम पिता स्वर्गीय मोहम्मद यूनुस अली के घर में रविवार की देर रात्रि में अचानक आग लग जाने से चार घर जल गया। घर में मोहम्मद नसीम की मां फरमुदा खातून मौजूद थी। श्री खातून ने बताया कि रात के समय हम नमाज अदा कर सो गए थे और मेरे घर में आग लग गया। आग कैसे लगा मुझे कुछ भी पता नहीं है। हमने हल्ला किया तो गाँव वालों ने टट्टी काट कर मुझे बाहर निकाला। वही आग लगने से चार घर में रखे सभी सामान जलकर खाक हो गए, साथ ही कुर्बानी का तीन खस्सी भी जलकर राख हो गया। मौके पर साहेबंगर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सोनू अफजल, उप मुखिया मोहम्मद मन्नान, पंचायत समिति सदस्य कन्हैया पासवान, भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने जिला प्रशासन से अभिलंब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। वहीं इस घटना की जानकारी अंचलाधिकारी शशि कुमार को दी गई। अंचलाधिकारी ने राजस्व कर्मचारी वासुदेव पासवान को भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मनसाही से मुकेश कुमार झा की रिपोर्ट। Press the bell icon on YouTube and never miss another update.